नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईपीएल से जुड़ी एक और खास वीडियो में। शुरू में हम बात करेंगे यार पंजाब टीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पंजाब टीम जैसा शुरुआत की थी इस आईपीएल का, ऐसा लगा था कि इस साल कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। देखने को तो मिला, कुछ नए खिलाड़ी आए पंजाब टीम की ओर से खेलने जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की, जिसमें हम देखें तो शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा रहे। इसके अलावा गेंदबाजी में देखें तो रबाडा एक टॉप क्लास गेंदबाज है, लेकिन इस साल उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। हालांकि वहीं कुछ और खिलाड़ी हैं जो फ्लॉप हो गए, खासतौर पर हम देखें तो जॉनी बेस्टो, जिन्हें भरोसा कर रिटेन किया गया था, पिछला सीजन पूरा मिस किए थे, 2022 का आधा सीजन खेले थे। इसके अलावा लियम लिविंगस्टन भी फ्लॉप हो गए, सैम करन हर मैच में नहीं चल रहे हैं, रही बात अर्शदीप सिंह की तो ये भी हर मैच में अच्छी गेंदबाजी नहीं किए। हर्षल पटेल भले ही विकेट निकाल रहे थे पिछले कुछ मैचों में, लेकिन तब तक पंजाब की टीम बहुत ज़्यादा रन लुटवा दे रही थी। ओवरऑल देखे तो हर्षल पटेल के ऊपर जितना भरोसा किया था पंजाब टीम ने, उतना वो अपने भरोसे पर खड़े नहीं उतरे, और ओवरऑल देखे तो ये सीजन भी पंजाब टीम के हाथ से चला गया। अब हम देखें तो सिर्फ औपचारिकता है पंजाब टीम के लिए क्वालिफाई करना, क्योंकि बचे हैं सिर्फ 6 मुकाबले और आपको क्वालिफाई करना है टॉप 4 में जाने के लिए, जिसमें हम देखें तो राजस्थान की टीम भैया ऑलरेडी क्वालिफिकेशन के नज़दीक आ गई। 14 पॉइंट उन्होंने कल मुंबई इंडियंस को हराकर हासिल कर लिया, यानी कि 2 पॉइंट और हासिल करते हैं तो क्वालिफाई हो जाएंगे। हालांकि 18 अंक अगर हासिल करते हैं तो अपनी क्वालिफिकेशन को कन्फर्म कर लेंगे। रही बात पंजाब टीम की, तो देखिए जैसा कि मैंने आप सभी लोग को बताया था कि पंजाब टीम के जो आखिरी के मैचेस हैं वो काफ़ी टफ हैं और अपने घर के बाहर खेलेंगी, ऐसे में कंडीशन इनके विपरीत होंगे। यही वजह है कि अब पंजाब टीम के लिए शुरुआती जो मैचेस थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए। और अब आगे के मैचों की बात करें तो वहाँ पर इनको सारे गेम्स अवे खेलने, यानी कि घर से बाहर खेलने हैं सारे मैचेस। और अगर हम अगले मैच की बात करें तो वो है कोलकाता के खिलाफ ईडन गार्डन्स में, उन्हीं के घर में, उनको हराना पंजाब टीम के लिए इतना आसान नहीं होगा। वैसे मैं अभी भी ये कह सकता हूँ पंजाब की टीम एक कड़ा मुकाबला देगी कोलकाता को, लेकिन अगर आप जीतने की बात करोगे तो उसमें मैं कोलकाता के साथ हूँ यार, पंजाब की टीम नहीं हरा पाएगी, क्योंकि पिछले 3-4 मैचों से यही कहानी हम सभी को देखने को मिल रही है। पंजाब की टीम पूरा लास्ट तक आखिरी तक अच्छा खेलती है, लेकिन वो जो फिनिशिंग लाइन क्रॉस करनी रहती है वो नहीं कर पा रही है। तो हो सकता है कोलकाता को भी टक्कर दे, लेकिन अंत में मुकाबला कोलकाता की टीम जीत सकती है, मैं तो यही कह सकता हूँ पंजाब टीम के परफॉर्मेंस को देखकर। हालांकि वैसे आप लोग पंजाब टीम के फैंस हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करोगे अपनी टीम को, क्योंकि देखिए यार आरसीबी की टीम भी लगभग अब बाहर हो चुकी है। अगर हम पंजाब टीम की क्वालिफिकेशन सीनियरियो की बात करें तो देखिए इनका रन रेट माइनस में है, पहले तो इन्हें इसे बेहतर करना होगा। दूसरी बात हम देखें तो इनके जो बाकी बचे मैचेस है वो सारे जीतने होंगे, क्योंकि यहाँ से अब सारे मैचेस डू और डाई हो गए हैं। और अगर पंजाब की टीम जीत भी जाती है तो बाकी टीमों के हारने का इंतजार करना होगा, क्योंकि पंजाब की टीम यहाँ से सिर्फ 16 अंकों तक ही पहुँच सकती है, उससे ऊपर नहीं जा सकती। अगर हम 4 टीमों की बात करें जो फिलहाल अभी टॉप 4 में है, उसमें देखें तो राजस्थान के 14 अंक हो गए हैं, 10 अंक हो गए हैं 7 मैचों में कोलकाता के, और इसके अलावा हैदराबाद के 10 अंक हो गए, और चेन्नई के 8 अंक, गुजरात और लखनऊ के 8-8 अंक, और मुंबई के 6, दिल्ली के 6, बाकी पंजाब और आरसीबी के 4 और 2। इनमें सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किए जॉनी बेस्टो ओपनिंग में, शिखर धवन की चोट बहुत ज़्यादा पंजाब टीम को चुभी पिछले 3-4 मैचों से। बाकी इस वीडियो को समाप्त करते हैं, पंजाब टीम के लिए सारे मैचेस डू और डाई हैं, अगर यहाँ से ये सारे मैचेस जीतती हैं तो 16 अंकों पर ही जाएंगी, और बाकी टीमों के हारने का इंतजार करना होगा। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अपना ख्याल रखिए, अपनी राय बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। जय हिंद।